हेलो पोकी फैंस, तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हैरी ग्रीन में। मैं आप सबका पोकेट्यूबर हैरी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो यार शाउट आउट टू कविता। क्यों? क्योंकि यार हम लोग के चैनल के 250 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं और वो हमारे 250वीं नंबर सब्सक्राइबर है, तो उनको शाउट आउट। तो यार अभी बढ़ते हैं गाइस आज की वीडियो की तरफ। तो आप लोगों को पता चल ही चुका होगा कि ये वीडियो किसके ऊपर है। मैं आप लोगों को आज सिखाने वाला हूँ कैसे आप लोग स्पीडस्टर लेकर जंगल कर सकते हो, आपको कहाँ जाना है, कौन सा बफ पहले लेना है, क्या किस किस को मारना है। तो वही चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बताने से पहले आप लोग सोच रहे होंगे कि यार आप लोग मेरी बात क्यों सुने। अगर आप लोग मेरे लेवल देखें तो मैं आपसे भी शायद कम लेवल में हो सकता हूँ अभी के लिए, या फिर मेरे पास ज़्यादा पोकेमॉन नहीं होंगे। आखिर आप लोग मेरी बात क्यों सुने? क्योंकि यार मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया होगा कि यार मैंने बहुत सारे मोबाइल गेम खेले, मुझे अच्छा एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के ऊपर मैं बता रहा हूँ आपको। और साथ ही में मैंने ये गेम बहुत अच्छे से खेला भी है और मुझे पता है कहाँ से क्या करना है, तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोग यहाँ पर प्रूफ भी देख सकते हैं, मैंने मोबाइल लेजेंड खेला है, एरिना वेलर खेला है। तो यार उसके एक्सपीरियंस के बेस में आप लोगों को मैं ट्यूटोरियल दे रहा हूँ। ओके, तो यार बेसिकली कुछ चीज़ें मैंने पॉइंट आउट की है, वो सब चीज़ें मैं आपको एक एक पढ़ के पॉइंट में बताने वाला हूँ। तो यार इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद एंड में मैं आपको एक गेम प्ले भी दिखाने वाला हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से तरह से आइडिया मिल जाए क्या करना है क्या नहीं। ओके, तो सबसे पहला चीज़ है टाइप्स ऑफ वाइल्ड पोकेमॉन। अगर आप लोग गेम स्टार्ट करें तो आपको पहले ही दिखता होगा एपॉम, और बाद में आप लोग खेलते जाते हैं तो हनी भी, वो सब सारे पोकेमॉन आपको मिल जाते होंगे। तो बेसिकली आपको मेन जो पोकेमॉन है उनके ऊपर जानना पड़ेगा, मतलब मेन जो वाइल्ड पोकेमॉन है। तो मेन पांच वाइल्ड पोकेमॉन है। नंबर वन है गाइस लुडिगोलो, ओके। सेकेंड है बफलैंड, थर्ड रोटम, फोर्थ डेटनो, और एंड में होता है गाइस एजेप्टोस। ओके, तो ये पांच मेन मतलब वाइल्ड पोकेमॉन है, मैं आपको बोल सकता हूँ मेन मतलब जो मतलब हराने ही होंगे, ठीक है। तो यार ये पहला चीज़ हो गया। सेकेंड चीज़ है गाइस यूजिंग बैटल आइटम। तो अगर आप इधर देखेंगे बैटल आइटम में तो आपको बहुत सारे बैटल आइटम आपको मिल जाएंगे, और भी बहुत सारे आने बाकी है मेरे लिए। तो यार अगर आप जंगलिंग करना चाहते हैं, अगर आप स्पीडस्टर है आपको सेंट्रल में जाना है, या फिर अगर आप जंगलिंग करना चाहते हैं अटैकर लेके, तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट आइटम है वो गाइस फ्लफी टेल। क्यों? क्योंकि अगर लिखा है फ्लफी टेल जो है वो वाइल्ड पोकेमॉन को थोड़ी देर के लिए स्टान कर देता है और आपका डैमेज इंक्रीज कर देता है उनके अगेंस्ट। तो ये अच्छा आइटम है वाइल्ड पोकेमॉन के खिलाफ। तो अगर आप जंगल करना चाहते हैं तो फ्लफी टेल ले लीजिएगा। ओके, तो ये हो गया दूसरा चीज़, आपको फ्लफी टेल लेना होगा अगर आप जंगल करना चाहते हैं। तो यार अभी बढ़ते इधर एक प्रैक्टिस मैं आपको दिखाने वाला हूँ, उस पर मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देने वाला हूँ। ओके, सो गाइस हम आ चुके हैं गेम में। तो यार आपको ओके थर्ड पॉइंट जो है वो है गाइस ओनली गो टू सेंट्रल एरिया। ओके, अगर आप स्पीडस्टर है तो आपको सेंट्रल एरिया में ही जाना है। इसका आप ऐसा नहीं कि आप इधर चले गए, आप या फिर टॉप लेन चले गए या फिर बॉटम लेन, ऐसा नहीं है। ओके, ये आपको याद रखना है। उसके बाद और एक चीज़ इसी में मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो है गाइस डोंट टेक अदर लेन वाइल्ड पोकेमॉन। मतलब आप अगर स्पीडस्टर है आपको तो जंगल करना है, इसका मतलब आप ये नहीं कि आप ये वाला एपॉम ले सकते, ये वाला एपॉम ले ले, या फिर ये वाला एपॉम, या फिर आगे जो जो मतलब इस लेन में जो पोकेमॉन है वो ले ले, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, सिर्फ सेंट्रल एरिया का जो पोकेमॉन है वो लेना है। तो जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, पहले तो यार इसको मार लेता हूँ, ये छोटा सा पोकेमॉन है। ओके, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है गाइस स्टार्ट विथ ब्लू, ठीक है। तो ये आपको हमेशा स्टार्ट करना है ब्लू से। क्यों? क्योंकि यार ब्लू जो बाफ है वो मतलब देखिए मैं मार के दिखाता हूँ, तो आप देख पा रहे हैं ब्लू को मारने के बाद, मतलब लुडिकोलो जो है, सॉरी ब्लू नहीं, लुडिकोलो को मारने के बाद मेरे पोकेमॉन के नीचे आप देख पा रहे हैं कुछ ब्लू टाइप का कुछ सर्कल आ गया होगा। तो ये जो चीज़ है वो है गाइस ब्लू बाफ। ओके, इसका काम क्या होता है, ये आपका डैमेज और इंक्रीज कर देता है वाइल्ड पोकेमॉन के खिलाफ। तो अगर आप ब्लू से स्टार्ट करते हैं तो दूसरे जब वाइल्ड पोकेमॉन को आप मारेंगे तो आपका डैमेज पहले से इंक्रीज होता जाएगा। ओके, तो इधर आप नेक्स्ट आपको बफेलन को मारना होगा, और अगर आप देख सकते हैं मेरा लेवल फोर हो ही चुका हूँ मैं। तो ये पहले आपको सेंट्रल एरिया का सारे पोकेमॉन आपको ख़त्म करने होंगे। ओके, ये हो गया। सो अभी मेरा इवॉल्व भी हो चुका है लेसलिंग, और इधर सारे के सारे मैं मार देता हूँ। तो ये आपको पहला आइडिया मिल चुका होगा कैसे आपको जंगल करना है। उसके बाद आप आ जाइए एक पास के लेन में, और उसके बाद इधर जो पोकेमॉन को मिलेगा उसको ख़त्म कीजिए। फर्स्ट किल में मुझे मिल गया है, और बस जितना भी आपके पास पोकेमॉन कलेक्ट हुआ है उसको मारिए आराम से, और फिर से चले जाइए आपको जंगल करने के लिए। और ये वाले पोकेमॉन आप नहीं ले तो ज़्यादा अच्छा है। अगर कोई पोकेमॉन आपका अगर कोई साथी अवेलेबल है तो उसको ले लीजिए, अगर नहीं है तो आप ही ले लीजिए। ओके, तो अभी यार इधर सेंट्रल एरिया, ये भी इलाका सेंट्रल एरिया में आता है, तो इधर का पोकेमॉन भी आप ही ले लीजिए, ठीक है। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ओके, तो अभी नेक्स्ट चीज़ के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ, वो है गाइस डेटनो। ओके, अगर आपको पता होगा कि जब आप गेम खेलते होंगे तो आपके जो
बॉटम लेन है इधर इस तरफ, इस एरिया में आपको मिलता है रेड नो, और जो टॉप लेन होता है ये वाला एरिया टॉप लेन, सॉरी मैं दिखा रहा हूँ अच्छे से, तो ये वाला जो टॉप लेन होता है एरिया, वो वाला एरिया में आपको मिलता है रोटम। तो दोनों साइड एक ही टाइम में आते हैं, हाँ एक ही टाइम में दोनों आते हैं। आपको इधर टाइम मार दिख रहा होगा 25-24 का। तो यार आपको पहले जो है प्रायोरिटाइज करना होगा वो है रेड नो, क्योंकि यार रेड नो बहुत ही इंपॉर्टेंट है गेम में। रेड नो आपको देता है शील्ड और प्लस आपको पूरे टीम को एक्सपीरियंस देता है। अगर आपको रेड नो और रोटम का ऑप्शन मिले तो आप पहले रेड नो को हराए अपने टीम के साथ मिलकर, ओके, या फिर अकेले भी आप हरा सकते हैं रेड नो को। उसके बाद अगर रोटम अवेलेबल है तो आप रोटम की तरफ जाए, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं, रोटम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके। और जब आ जाता है क्या जेप्टोस का टाइम, तो आप अपने टीम के साथ मिलकर जेप्टोस करें, अकेले मत जाए जेप्टोस करें, टीम के साथ जाइए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो इधर आपको जेप्टोस मिलता होगा। तो बस यही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस आपको जानने के लिए। अभी मैं आप लोगों को दिखाते वाला हूँ गेम प्ले, तो आप लोग गेम प्ले देख के आइडिया लगा सकते हैं कि कैसे क्या करना है। तो यार बढ़ते सीधे गेम प्ले की तरह, you
गोल।